जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान पिता ने ही घटना को अंजाम दिया है, जिसके दौरान दो बेटियों को घोषित कर दिया है। आरोपी ने नींद में सो रहे पूरे परिवार के साथ इस घटना को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि पत्नी और 7 वर्षीय दोहिते के भी हालात ठीक नहीं है। इस वारदात के बाद आरोपी गांव के पास बनी पहाड़ी में छिप गया था, लेकिन देर शाम को ही उसे पकड़ लिया गया है। अभी आरोपी पिता मनाराम पुलिस की हिरासत में है। यह पूरा मामला राजस्थान के नागौर जिले के परबसा थाना इलाके की दिल ढाणी का बताया जा रहा है। पड़ोसियों का कहना है कि मनाराम इतना सनकी है कि छोटी छोटी बात को लेकर ही विवाद करने लगता था। गांव वालों के सामने भी परिवार वालों को कह चुका था कि एक दिन सभी के साथ घटना को अंजाम दूंगा। इतना ही नहीं, सोमवार को जब पुलिस ने हिरासत में लिया तो पुलिस के सामने कहने लगा था कि अब मेरे साथ भी घटना को अंजाम दीजिए। हालांकि इस घटना की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है, और इस घटना के दौरान एडिशनल एसपी गणेशा राम ने बताया कि इस घटना के ठोस सबूत अभी तक नहीं पता चले हैं और आरोपी स्वभाव से थोड़ा गुस्सेल नजर आ रहा है। मुझे घटना की जानकारी में यह भी पता चला है कि छोटी बहन अपने ससुराल जाने वाली थी, इसलिए उसकी बड़ी बहन अपने बेटे 7 वर्ष के साथ आई हुई थी और घर के आंगन में दोनों ने रात को ही मेहंदी लगाकर सो गई थी, लेकिन देर रात ही पिता ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिससे लगातार अब पूछताछ की जा रही है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट अपनी राय जरूर दें।